पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट दिए। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की के लिए बहनों की आर्थिक मजबूती जरूरी है। पीएम ने कार्यक्रम में शामिल लखपति दीदियों से बातचीत भी की। इसके अलावा उन्होंने 2,500 करोड़ रुपए का एक रिवॉल्विंग फंड भी जारी किया और 5,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन भी वितरित किए। सुनिए पीएम मोदी ने लखपति दीदी के बारे में क्या कहा। आज लखपति दीदी का ये महासम्मेलन हो रहा है। मेरी सभी लाड़की बहन यहां बड़ी संख्या में उपस्थित है। आज यहां से देश भर के लाखों सखी मंडलों के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। लाखों बचत गटाशी जोड़ल्या गेलेल्या महाराष्ट्रातील आमच्या भगिनींना सुद्धा कोट्यवधी रुपयाची मदत मिळाली आहे। इस पैसे से लाखों बहनों को लखपति दीदी बनाने में मदद मिलेगी। मेरी सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभेच्छा। साथियों, आप सभी में मुझे महाराष्ट्र की गौरवशाली संस्कृति और संस्कारों के भी दर्शन होते हैं और महाराष्ट्र के ये संस्कार भारत ही नहीं विश्व भर में फैले हैं। जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आपके बीच आया था तब मैंने कहा था कि हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है, यानी 3 करोड़ ऐसी बहनें और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है, जिनकी 1 साल की कमाई 1 लाख रुपए से अधिक होगी। बीते 10 वर्षों में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी और बीते 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में 11 लाख और लखपति दीदी उसमें जुड़ गई, नई बन गई। याद सुद्धा 1 लाख नवीन लखपति दीदी याद आपल्या महाराष्ट्रात तैयार झाले आहेत। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।